Well, it's being looked at as a semi-final for 2019. जी हाँ, टिकट वितरण हो चुका है, विड्रॉल हो चुका है, अब पता चल गया कि मुकाबला किसके बीच होने वाला है राजस्थान में. और हमारे संग इस चुनाव, इस महत्वपूर्ण चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए जुड़ चुकी हैं यशस्वी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे. बहुत बहुत स्वागत है आपका आईटीवी नेटवर्क पर. थैंक यू मैडम. और आज हम चाय पे चर्चा जारी रखेंगे. तो पहले तो हम आपसे यही पूछेंगे कि मेन इश्यूज क्या हैं वो जो मतदाताओं नजर रखेंगे 7 दिसंबर को, जो आपके नजर में राजस्थान चुनाव में हावी पड़ेंगे, मेन इश्यूज क्या हैं वसुंधरा जी? देखो, मैंने तो बहुत ही सिंपली विकास के मुद्दे को सब सर्वोपरि रखा है, क्योंकि मैं मानती हूं कि ये हम सबकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये आपकी जिंदगी से जुड़ेगा. और इसलिए ये जरूरी है कि हम इसको महत्व दें. जी, हम आपको ये भी पूछना चाहेंगे कि आपका आपकी गौरव यात्रा इस साल राजस्थान गई अपने गौरव यात्रा को लेकर, तो क्या क्या आपका अनुभव रहा इस गौरव यात्रा को लेकर? विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या मुद्दे आपको नजर आए, क्या क्या काम आपको दिखे आपकी सरकार के, वो कैसा अनुभव रहा? देखिए, आई थिंक आई मस्ट बी द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर दैट इज एक्चुअली गॉन टू द डिस्ट्रिक्ट टू गिव एन अकाउंट ऑफ देमसेल्व्स, क्योंकि काम हुआ कि नहीं हुआ जनता से पूछना ये कभी कभी कैन बिकम अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. पर मैंने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि मैं उनके सामने खड़े होकर उनसे पूछूं कि ये काम, चाहे वो गौरव पथ हो, चाहे वो पीने के पानी का हो, चाहे सिंचाई का हो, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर महिलाओं का जो हमने किया भामाशाह का, या भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का हो, क्या ये जमीन के ऊपर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और उनके क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ काम था वो उनके यहां हुआ कि नहीं हुआ? तो आई मस्ट से कि मैं, मेरे दिन में, दिमाग में ये बात थी कि कहीं कोई खड़ा होके ये कहे ना दे मेरे को कि ये काम नहीं हुआ है. परंतु मुझे गर्व है ये कहते हुए कि पूरे 1.5 महीने के अंदर इतने सारे जगह के जाने के बाद भी मेरे को एक नहीं मिला जिसने हाथ ऊपर करके ये कहा कि ये काम हमारे यहां नहीं हुआ है. सो इन दैट सेंस आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज जो जो बातें कही थी, जो मैंने अभी आपको गिनाया है, वो सब चीजें जमीन के ऊपर उन लोगों के क्षेत्रों के अंदर आ गई. हम बात करें आपके 5 साल के कार्यकाल के बारे में, तो व्हाट आर द मेन अचीवमेंट्स, और हम विस्तार में आपसे जानना चाहेंगे, संक्षेप में नहीं, कि व्हाट आर द मेन अचीवमेंट्स ऑफ योर गवर्नमेंट इन द लास्ट 5 ईयर्स, वेरियस स्कीम्स दैट यू नो यू आर गोइंग टू टेक टू द वोटर? यू आर, आई मीन, दे आर वेरी एग्जॉस्टिव, सो दे विल टेक अ लॉट ऑफ टेलिंग. बट मैं 3 चीज के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी. सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो महिलाओं के लिए मैंने स्कीम बनाई है. खुद महिला होने के नाते मैं जानती हूं कि उनको कितनी सारी मुश्किलें होती हैं, और इसलिए मैंने कहा कि भाई महिलाओं को ही डायरेक्ट निगाह में रख के उनको किस तरीके से सशक्त किया जाए, स्वाभिमान की जिंदगी जी सके, ऐसी परिस्थिति बनाई जाए. तो जब मैंने शुरू किया था 2007 के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, कोई नहीं था जो इसमें हमारी मदद करना चाहता था. कोई बैंक नहीं था जो इसमें बैंक रोल करने की सोचा. कोई प्लास्टिक अवेलेबल नहीं था जो कार्ड बना सके हमारे लिए. तो आखिर में, और फिर बीच में सरकार आ गई जिसने कहा कि ये स्कीम में हम उसको फॉलो थ्रू नहीं करना चाहते. तो 2013 के अंदर जो हमने शुरू किया है, आज 1,45,00,000 परिवार तक पहुंच चुका है. इसका मतलब करीबन 5 करोड़ राजस्थान की जनता के पास ये स्कीम आ गई है. और महिला इज नाउ द प्राउड, व्हाट यू कॉल इट, लीडर, सपोर्टर ऑफ हर ओन फैमिली. उसके बैंक अकाउंट खोले गए हैं और उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सरकारी पैसा सीधे चला जाता है. बैंक की तरफ से उसके मोबाइल के ऊपर खबर आ जाती है जब उसका पैसा पहुंच जाता है. तो ये अपने आप में महिला को सशक्त करने वाला काम है. और ये एक स्कीम है, ऐसी स्कीम मैंने फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज महिला के लिए करने की कोशिश की. दूसरी स्कीम मेरी जिस पर मुझे नाज है, वो है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना. ये हमने हमारे गरीबों के लिए की 30,000 से लेकर 3 लाख तक.
कि बीमा का इंतजाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को साथ लेके हमने ऐसी परिस्थिति बनाई कि हमारे गरीब लोग किसी भी राजस्थान के टॉप हॉस्पिटल में जा सकते हैं, उनको पैसा देने की जरूरत नहीं है, उनका ऑपरेशन बेस्ट डॉक्टर्स के सामने हो सकता है जिसका भी कभी सोच भी नहीं सकते थे, और जिनको संभाल करके अगर 20 दिन रहना है 21 दिन रहना है तो वहां रह के उनका पेमेंट सरकार करेगी थ्रू द बीमा और वो ठीक होके बाहर आएंगे। ऐसे करीबन 25 लाख लोगों को अभी तक फायदा मिल चुका है और मैं समझती हूँ ये स्कीम चल पड़ी है, इसका फायदा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में मेरे को देखने को मिला। तीसरी स्कीम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, ये इसलिए है कि एज यू नो राजस्थान के अंदर पानी की बहुत शॉर्टेज है और बहुत सारी जगह के अंदर ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। अब हम बाहर से पानी जरूर लाएं पर ग्राउंड वाटर लेवल अगर नीचे जाता है तो वहां के किसानों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने एजेंसीज के साथ टाई अप कर लिया टीम राजस्थान जिसमें एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, सरकार है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्मी है, पुलिस है, इन सबको इन्वॉल्व करके महात्मा संत वो भी सब इन्वॉल्व हैं, ये मैंने फुल सोसाइटी इसके अंदर जुड़ी, जो मशीन दे सकता था उसने मशीन दी, जो खुद खोदता है अपना श्रम देना उसने अपना श्रम दिया, जिनको पैसा देना था उनने पैसा दिया, सब लोगों ने मिलकर ये किया और करीबन 3.5 लाख छोटे छोटे पानी के व्यवस्थाएं हम लोगों ने राजस्थान के अंदर करी। इसका असर ये हुआ कि पानी ऊपर आ गया, इन सम केसेस कुएं में पानी वापस आ गया, इन सम केसेस हैंडपम्प जो सूख गए थे उनमें पानी वापस आ गया, एंड बेस्ट ऑफ ऑल जहां गर्मी के दिनों के अंदर टैंकर ट्रिप्स हुआ करते थे वो टैंकर ट्रिप्स हैव नाउ बीन हाल्व्ड। अब इसको देखने के लिए हमारे उदयपुर के अंदर एक ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उसमें जो कंट्रीज आए थे नाइजीरिया वगैरह जो उसमें उन लोगों ने जाके हमारा ये एफर्ट को देखा एंड दे आर नाउ टेकिंग इट बैक टू देयर ओन कंट्री, तो अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी तो मुझे उसकी खुशी है क्योंकि किसान उससे खुश है और खास करके डेजर्ट स्टेट लाइक राजस्थान। यस जी, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एवरी ईयर वी कंटिन्यू टू डू दिस, वी बिलीव दैट 40,000 गांव हमारे हैं, 40,000 गांव के बीच में अभी तक 3 लाख हम लोगों ने कवर किया है, वी कवर ऑलमोस्ट 7,000 to 8,000 विलेजेस एवरी ईयर, पॉसिबली इन अनदर 5 to 6 years वी शुड बी एबल टू फिनिश। एंड एज यू सेड इट्स इम्पोर्टेंट क्योंकि किसानों को फायदा हुआ है जो अन्नदाता हैं हमारे, स्पेशली इन डार्क जोन एरियाज जहां पानी बहुत गहरा हो गया था वहां एक सेविंग ग्रेस हो गया है। आपने काफी विकास कार्य गिना दिए हैं जो आपने क्या कुछ किया है राजस्थान में, क्या कोई योजनाएं बनाई हैं, मगर फिर भी ओपिनियन पोल्स आते हैं, फिर भी सर्वेज आते हैं, अभी भी आते हैं, अभी भी आ रहे हैं और पहले भी आए हैं, इस साल की बात की जाए या पिछले साल की बात की जाए, उन सारे सर्वेज में जैसे आपने देखा होगा कहा जाता है कि कांग्रेस लौट के आ रही है, ये जो 5 साल का सिलसिला है वो दोहराया जाएगा। हाउ डू रिएक्ट टू दिस सर्वेज, व्हाट डू यू थिंक? हमारा बेंचमार्क, हमारी पार्टी का बेंचमार्क हमारी पार्टी ही है, हमको दूसरा अगर हम ये सब करना शुरू करें तो हम कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, हम तो इधर उधर देखते नहीं है, हमने अपने आप को अपना बेंचमार्क बनाया और हम उस बेंचमार्क के अगेंस्ट चल रहे हैं, अभी तक सक्सेसफुली चले हैं, अभी तक मैं तो नहीं पर मैं सुनती हूँ जैसे आप अभी बता रहे हैं कि वो जो सर्वेज वगैरह आए हैं कहाँ से शुरू हुए थे और अब कहाँ तक आ गए, मैं उनकी तरफ देख नहीं रही हूँ, मैंने तो पहले भी कहा और आज भी कह रही हूँ ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, वो 7 तारीख के वोट जब पड़ेंगे और 11 तारीख के पेटियां जब खुलेंगी तब आप लोगों को सब मालूम पड़ जाएगा, परंतु आई एम क्लियर दैट वी विल विन द इलेक्शन। और अब ये भी बात छिड़ गई है, वो सर्वेज अलग थे कि अब बीजेपी ग्राफ इज गेनिंग, बीजेपी बहुत कुछ काम कर रही है, बीजेपी बहुत यू नो फायदेमंद है, बीजेपी ग्राफ इज गेनिंग, देखो ना विन कांटे की टक्कर है। मैं इसलिए तो कह रही हूँ एक सर्वे था जिसने 56 से 25 और 25 से 14 सीट हमको देने का काम किया,
मैंने वहां तक कहा भी था उनको कि भैया 14 क्यों, जीरो ही कर दो तो कितना अच्छा होगा, परंतु ये तो चलता है। अब उसको देख के हम दुखी हो जाएं या खुश हो जाएं, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात है। मेरे को तो कीप योर हेड डाउन एंड कीप वर्किंग एंड द रिजल्ट विल फॉलो। That's an interesting message. So don't get distracted, even if there's not good news from the surveys or there is very good news. Okay. Speaking about the Congress now, जो आपके विरोधी हैं, जो मुख्य विरोधी हैं राजस्थान में, वो है कांग्रेस पार्टी। थर्ड फ्रंट भी आ गई है, अब देखते हैं वो क्या कर पाती है। मगर जो कांग्रेस पार्टी है, उनकी तरफ से हमने ये देखा है कि कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं आने वाला है इस चुनाव में। उन्होंने ये नतीजा ले लिया है, मध्य प्रदेश में भी लिया है और राजस्थान में भी लिया है। इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे फायदा होगा आपको, क्योंकि आप छवि हैं राजस्थान में भाजपा की? देखिए, अब फिर आप मेरे से पूछ रहे हो कि उनका क्या होगा, हमारा क्या होगा। हमें, जैसे मैंने आपको बता दिया, हम तो ना तो पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हमें मालूम है कि उनकी पॉलिटिक्स इज वोट बैंक पॉलिटिक्स, हमारे विकास की पॉलिटिक्स। हमने 5 साल विकास किया है और उस विकास के ऊपर हम समझते हैं कि जनता उस चीज को समझ के हमको वोट देगी। वो अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स करे, और किसका चेहरा आता है किसका चेहरा नहीं आता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा तो खाली एक गोल है और वो ये है जीतना। पर आपको लगता है ये फायदेमंद रहता है चेहरा घोषित करना? जैसे आप चेहरा है बीजेपी के, यू आर द सीएम कंटेंडर, एवरीवन नोज दैट, दे डोंट नो हु दे आर वोटिंग फॉर। लाइक इट्स द केस विद इन द सेंटर विद नरेंद्र मोदी, लोग जानते हैं कि अगर भाजपा का बटन दबाएं 2019 मिलेंगे तो उनको वोट मिलेगा। तो यहाँ तो कंफ्यूजन है ही। अभी तो एक नेता ने तो और कंफ्यूजन जारी कर दिया ये कह के कि एक नहीं दो नहीं 6 शक्लें हैं। तो अब घूमता रहे उनके बीच में। हमारी कॉन्क्लेव इंडिया न्यूज मंच में तो मनीष तिवारी ने कह दिया 11 चेहरे हैं, तो 11 भी बन सकते। आप तो और भी आगे बढ़ गए, हमारे यहाँ तो 6 तक पहुंचे थे। अच्छा, हम ये जरूर पूछेंगे आपसे कि ये भी चर्चा है काफी कांग्रेस पार्टी में कि इन फाइटिंग काफी हो रही है। मध्य प्रदेश में भी ये चर्चा है और राजस्थान में भी चर्चा है कि टिकट वितरण में भी और जनरली इन फाइटिंग है कांग्रेस पार्टी में, सब चेहरों पे जिनका आपने जिक्र किया। तो क्या आपको लगता है कि इन फाइटिंग भी शायद आपको फायदा दे? देखिए, इन्होंने तो टिकट अपने बीच में पहले बांटे, कैंडिडेट्स को बांटने का काम पहले उन्होंने अपने बीच में बांटे और उसके बाद वो बांटेंगे कैंडिडेट्स को। तो नुकसान तो पार्टी को झेलना ही है। हमारी पार्टी दूसरे, माने ऑन द अदर हैंड, ये कभी नहीं करती, क्योंकि ये सामूहिक निर्णय होता है, कभी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है। और हम लोगों ने, सबने मिलकर पूरी कमेटी ने पहले कार्यकर्ताओं से पूछा, नीचे जाके कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे उनसे जाके पूछा, उसके बाद हर एक मेंबर ने अपने अपने क्षेत्रों में जाके, डिविजन्स में जाके पता करके वहां अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया, और ये सब चीजों को फिर हम ऊपर अपने अध्यक्ष के पास ले गए, जहां बैठ के हम लोगों ने मिलकर निर्णय लिया। तो ये किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है, ये सबका बैठ के निर्णय है। और मुझे इसीलिए लगता है कि हमारे एडवांटेज है हमारे कैंडिडेट्स को, क्योंकि किसी की पसंद पे नहीं है, ये लॉजिक पे है। फिर भी आप कह रहे हैं कि काफी लॉजिक पे है, बट फिर भी आपकी टिकट लिस्ट बहुत पहले आ गई, उनकी तो बड़े विलंब से आई। इसलिए हमने तो पहले ही एक्सरसाइज कर लिया था, और 11 तारीख को जिस दिन नॉमिनेशन फाइल होने थे, जिसकी शुरुआत थी, उस दिन ही हमने अपनी पहली लिस्ट घोषित कर दी थी। तो कंफ्यूजन उनके यहाँ था, हम देख रहे थे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चेहरा है भाजपा के लिए 2019 में, ये तो हमें पता है। ही इज द स्टार कैंपेन ऑल्सो फॉर द बीजेपी, यू नो वी हैव सीन ऑफन इन इलेक्शंस व्हेन ही स्टार्ट्स कैंपेनिंग द वोट्स कीप ऑन राइजिंग, एंड यू नो द ओपिनियन पोल्स ऑल्सो शो दैट, द रिजल्ट्स ऑल्सो शो दैट, फेस बाय फेस वी हैव सीन इट इन अदर इलेक्शंस एज वेल। 2013 में मोदी वेव रहा था छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। क्या आपको लगता है कि मोदी वेव अभी भी बरकरार है 2018 में भी, और क्या ये मोदी वेव राजस्थान में भी देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो यूनिवर्सल है, पूरे देश के अंदर उनका पर्सन है, ये कोई डिनाय कर नहीं सकता। और हाँ, लोग हमारे इस प्रदेश में तो बहुत मानते हैं, हमें दूसरे के प्रदेश की मैं नहीं कह सकती, और हमारे प्रदेश में बहुत मानते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने तो अपनी सब पूरी तोपें निकाल के खड़ी कर दी, राहुल गांधी भी आके
और कस्बे कस्बे में घूम घूम के वोट मांग उन्होंने वोट मांगा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अभी बीकानेर गए कल और प्रधानमंत्री 25 तारीख से कैंपेन करना शुरू करेंगे। हाँ, हमारे वोटों में बहुत इजाफा होने वाला है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जी, तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कस्बे कस्बे में घूमते हैं मगर कुछ फायदा नहीं होता, भीड़ भी नहीं जुटा पाते। आप कह रहे हैं, मैं नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी पूछेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि काफी रैलीज प्लान्ड है, शेड्यूल तो आ गया है, क्या आपको लगता है वो रैली से काफी फायदा होगा? और इसलिए काफी रैलीज प्लान की गए हैं प्रधानमंत्री मोदी की। अमित शाह तो आ गए थे कल बीकानेर और प्रधानमंत्री अभी पधारेंगे अब राजस्थान। उनके करीबन 10 रैलीज हैं और मैं समझती हूँ कि उसका बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा राजस्थान में। एवरी रैली इज एन एडिशनैलिटी, सो यस, इट्स वेरी गुड फॉर अस। ओके, वेल, बिफोर वी मूव टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू, प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र हुआ और आज हम चाय पे चर्चा भी कर रहे हैं, चाय की प्याली भी है, मुख्यमंत्री के संग चाय पी रहे हैं। क्या आप चाय पे चर्चा करती हैं काफी, चाय पे मुस्तियाँ, चाय पे बातें वगैरह? मौका अलग ही मजा रखता है जी, तो क्यों नहीं करेंगे जी। मैं तो दौरे पे होती हूँ और कभी ऐसी चर्चा करने की जरूरत होती है तो कार्यकर्ता कहीं जिसके चाय की दुकान हो उस पर जाके बैठ जाते हैं तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो चाय की चर्चा बड़ी यूजफुल चीज होती है जी। ओके, बिफोर वी क्लोज विद द लास्ट क्वेश्चन विच इज यू नो ऑन द एजुकेशन इन योर स्टेट, अ क्विक वर्ड ऑन झालावाड़ झालरापाटन, वी सॉ ग्रेट टर्न आउट, सो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट, द डे यू फाइल्ड योर नॉमिनेशन। इंटरेस्टिंगली दैट्स द डे द कांग्रेस ऑल्सो chose to utaro Manvendra Singh into the maidan. How did you see that, and what do you feel about the huge love you got in Jhalawar, because we saw those crowds and the rally, and you of course had your son and daughter-in-law with you in that open jeep? Dekho, mere Jhalawar ke rishte bahut alag hain. Hamare 30 saal ho gaye ek saath. I think very few people have as long a relationship as any one place. I'm very proud of it. Because इधर से इस कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना तो होता है, परंतु एक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ रह के और विश्वास रखना एक दूसरे के ऊपर, ये कम होता है। मेरा पूरा विश्वास है झालावाड़ की जनता के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कभी कमी नहीं छोड़ी है प्रेम में, और जितना प्रेम मुझे दिया, मेरे परिवार को दिया, मेरे सब लोगों को, मेरे जो साथ चलते हैं उनके पास दिया, उन्होंने पहली दफा से लेकर आज तक किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी और विश्वास में कोई कमी भी नहीं छोड़ी। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं उनकी वजह से हूँ, क्योंकि जब यू नो दैट योर बैक इज स्ट्रांग देन यू कैन गो ऑन टू डू मेनी मोर थिंग्स। सो एंड आई बिलीव दैट झालावाड़ ऑल्सो फील good towards me, because otherwise he wouldn't be in this situation today. And your contender? Ah, my contender. I, as I said to you again, I don't look around too far. My relationship with my constituency is such that we work together. Beyond that, I don't really bother. We've won consistently. It's been 30 years. I don't think that relationship will break that easy. Okay. Finally, on you know, the education in the state. Now, we often talk about education in the country, and this is a very important issue, because लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाएंगे, और इसलिए शिक्षा का मुद्दा जो है वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है, और राजस्थान में शिक्षा विभाग को लेकर आपको क्या लगता है कितना आप बदलाव ला पाएंगे? आई एम ग्लैड कि आपने इस विषय को छुआ, क्योंकि दिस इज अ विषय बहुत क्लोज टू माई हार्ट। जब मैं आई थी तो एक जर्जराई हुई व्यवस्था मुझे मिली, कहीं टीचर है तो बच्चे नहीं, कहीं बच्चे हैं स्कूल है तो टीचर नहीं, कहीं बच्चे और टीचर है स्कूल नहीं, ऐसी व्यवस्था थी। आपको पसंद आया तो आपने प्राइमरी खुलवा दिया, किसी और को पसंद आया तो उसने सेकेंडरी खुलवा दिया। अब उसको सबको व्यवस्थित करने का काम हमने किया है, और हमारी 10,000 पंचायतों के अंदर हमने करीबन 6,000 से ऊपर 6,500 पंचायतों तक एक से बारहवीं तक का स्कूल कंसोलिडेट करके बनाने का काम किया है। और हमने कहा कि पहले तो उसमें सब सुविधाएं जो पढ़ाई की होती हैं वो करें, फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ टीचर्स भी उनको दें, कंप्यूटराइजेशन का काम भी उसके अंदर कर लें,
गेम स्पीड भी अगर ला सकें तो उसको गेम स्पीड भी देने की कोशिश करें। और 10,000 ऐसे हमारे बन जाते हैं तो एक कंसोलिडेटेड एरिया में एजुकेशन देने का काम हम कर सकते हैं। हमने छूटते ही सबसे पहले एक सब कमेटी भी बनाई जिसमें हमारे बहुत जानकार लोग उसमें बैठे हुए हैं, जो फील्ड में जाते रहते हैं, जो हमारे अधिकारियों के साथ बात करते रहते हैं और उसमें बदलाव लाने की कोशिश भी करते हैं। हमने टीचर्स की भर्तियां करके लाखों टीचर्स को भर्ती करवा के जो गैप थे उनको भरने का काम किया और नतीजा ये हुआ कि जो बच्चे बाहर जा रहे थे वो बच्चे रुक गए स्कूल में। करीबन 12 लाख बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में चले गए थे वो वापस आए। एंड पेरेंट टीचर एसोसिएशन मीटिंग स्टार्टेड टू हैपन एंड मार्क्स इम्प्रूव्ड। नाउ 90% मार्क्स, 75% मार्क्स, 85% मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स हो गए और जो राजस्थान शिक्षा में पूरे देश के अंदर 26वें पायदान पे था आज दूसरे पायदान पे आके खड़ा हो गया है 5 साल में। तो यस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। पर ये अलग से ही नहीं है, ये शिक्षा का हायर एजुकेशन में आईटी के ऊपर हमने बहुत मैंने एम्फोसिस दिया और आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेट डेटा सेंटर्स नाउ टियर 4। प्रोबेबली सरकारी एरिया में इट इज द ओनली वन सच इन द वर्ल्ड। इट इज सच अ फैंटास्टिक प्लेस एंड बिकॉज ऑफ द एजुकेशन दैट वी आर गिविंग देम, लॉट्स ऑफ यंगस्टर्स थ्रू आर वेरियस डिजिटेक्स, आई हैव हैड 5 नाउ, आर ऑल्सो गेटिंग असिमिलेटेड इन द आईटी एरिया। तो उनको रोजगार उसमें भी मिल गया। एंड वी आर द फर्स्ट स्टेट टू सेंड आउट 100 ऑफ आवर स्टूडेंट टू सिलिकन वैली टू सी एंड एब्जॉर्ब द लर्निंग एक्सपीरियंसेस देयर। सो द ग्रेट पार्ट इज दैट टिल नाउ कर्नाटक वाज कंसिडर्ड द लास्ट वर्ड एज फार एज आईटी वाज कंसर्न्ड, बट इवन कर्नाटक हैज आस्क्ड राजस्थान टू एक्चुअली कंसल्ट फॉर कर्नाटका। सो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राजस्थान प्रदेश जो एजुकेशन के अंदर बिल्कुल नीचे था, जो आईटी के अंदर माना नहीं जाता था, आज सेकंड पोजीशन में आ गया है एजुकेशन में। जो बीमारू राज्य में भी माना जाता नहीं, ये खाली एजुकेशन की बात कर रही हूं मैं, और जो आईटी के अंदर उस परिस्थिति में आ गया है जहां कंसल्टेशन कर्नाटक हमारे साथ कर रहा है एंड वी हैव गॉट द बेस्ट अवार्ड फॉर द गॉट द अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टेट इन आईटी दिस ईयर। सो आई एम वेरी प्लीज विद इट, 2 years रनिंग नाउ। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट अचीवमेंट। सो एजुकेशन एज यू सेड हमारे बच्चों के लिए इम्प्रूवमेंट है और मैं ये मानती हूँ कि अगर हमारे बच्चे अच्छा एजुकेशन पाते हैं तो स्टेट को फिर नीचे नहीं रख सकते। आपको भी लगता है जो मैं कह रहा था कि शिक्षित होना सबसे बड़ा फायदेमंद है तरक्की के लिए? तभी तरक्की होगी जी। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड यू चोजन टू स्टे वेरी पॉजिटिव, टॉक अबाउट लॉट ऑफ वर्क दैट यू हैव डन एंड नॉट रियली अटैक योर ओपोनेंट्स। इट डजंट हेल्प टू कीप अटैकिंग देम। वन, when we have done so much work, it's a good idea to talk about that work and to tell everybody that maine 36 ke 36 ko humko saath rakha hai, kabhi na jaati ke upar na mazhab ke upar kisi ke beech mein deewar khadi karne ki koshish ki hai aur isliye main manti hu ki agar sauhardpurna vatavaran rajasthan ke andar rakhna hai aur agar rajasthan ko progress karwana hai, usko agrani pradesh banana hai, to is sector ke upar dhyan dena bahut hi zaruri hai और इसमें सक्सेस मिला है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ओके वेल, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू एज आई सेड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। यू लुक वेरी पॉजिटिव फॉर द 11th ऑफ दिसंबर। आई एम श्योर दैट पार्टी विल डू वेरी वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू।